हेलो एवरीवन, और आज है थर्सडे और मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट शुरू हो रहा है क्योंकि आज मेरी ये वाली नेक पेन होने लगी। लाइट चली गई है, कोई कुछ तो कर दो। लाइट चली गई है यहाँ की लाइट, एक लाइट इन्वर्टर कनेक्टेड है यहाँ से। हाँ, सो कहाँ थे हम। सो आज जो ब्लॉग है वो मैंने काफ़ी लेट शुरू किया क्योंकि मेरी यहाँ की नेक पेन हो रही थी और आज मुझे बकायदा सफाई करनी थी। सो गाइस, तुम्हारे कारण ऑरेंज हो गया मैं। हाँ, इट्स अब सही है। सो ब्लॉग आज मैं लेट कहाँ थी मैं। सो मेरे इस वाले नेक पे पेन हो गया, मुझे सफाई करनी थी, बट हम लोग हो सकता है मैं शाम तक रात तक करूँ, रसोई की करूँगी आज, उस रूम की मैं कल करूँगी। उस रूम को देख के मेरे को पता है, जैसे अलमारी वाली आती है ना, जैसे अलमारी वाला वो आता है कि अलमारी साफ़ करनी है ना, मेरी जान निकल जाती है। तो अलमारी वाला काम बहुत वो है यार, कैसे होगा अलमारी वाला काम। सो ये है कि अलमारी वाला काम है वहाँ से, तो वो अच्छे डिटेलिंग में करूँगी मैं हॉल को साफ। और सब कुछ तो हो गया था, मोस्ट प्रोबेबली मैं आज जाऊँगी शॉपिंग पे, शायद आई डोंट नो, रात तक देखते हैं। कौन है? हाँ, सो दो चीज़ें आई हैं, एक क्या आई है बोलो। दोनों का मैं आपको डेमो दूंगी एक अलग वीडियो में, इसमें नहीं दूंगी। दो चीज़ मैंने मंगवाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक है ये, अब आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। मम्मा, इन सब के लिए मैं रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी और साथ में आपको बताऊँगी कि कैसा काम कर रहा है और कहाँ से मंगवाया है। और एक मैंने फ्रूट जूस मशीन मंगवाई है जिसमें आप जूस निकाल सकते हैं और साथ में चीज़ें भी ब्लेंड कर सकते हैं। ओ माय गॉड, ये लाइट्स ना क्या कर क्या रही हैं। सो ये सब चीज़ें मंगवाई हैं, मैंने मंगवाया है ये। इसमें एक कंटेनर भी आया है पीने के लिए, जार आया है जिसमें आप पियेंगे या आप डालना है। एक ये है जिस पे आपको इसे लगाना है, ये इसकी मोटर है। तो एक ही साथ डेमो ले लेंगे इसका, अभी बनाते हैं कुछ अच्छा। तो एक ही साथ डेमो लेंगे। और अभी फ़िलहाल मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो 3 पिन आई थी, वो 3 पिन ऑफिस में भूल गए हैं। अभी मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, फिर इस ब्लॉग को हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे की। मुझे शॉपिंग करने जाना है, क्या करने जाना है, आज का डे बिल्कुल डिसाइडेड नहीं है। ऑलरेडी शाम हो गई है क्योंकि आज मैंने ब्लॉग काफ़ी लेट शुरू किया है और साथ में ब्लॉग पब्लिश भी काफ़ी लेट हुआ है आज का, बट ठीक है। सो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो बोजो नहा लिया है, आप देख सकते हैं अब इसके बाल थोड़े चिपके हुए हैं। बोल, तुम तो बीच में टकले हो गए, उसे भूख लगी है। लो लो, गुड बॉय। कहाँ? अरे रे, ऐसा नहीं करो बेबी। चलो सोफे से उतरो। सोफे से उतरो, बैड बॉय। क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही मुझे, दिखो। मैं छाई हूँ, मैं सिर्फ टेंशन में, मेरे थोड़े से बाल यहाँ से टकले हो गए। टकले नहीं हुए, सूख गए, अभी घीले हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। अभी थोड़ी देर बाद तुम बहुत सुंदर लगने वाले हो, वर्ल्ड बेस्ट पग। बोलो, लगने वाला है वर्ल्ड का बेस्ट पग? ऐसा क्यों किया तुमने? और ऐसा क्यों किया? नीनी, पापा, इसकी पता नहीं तबीयत से ख़राब लग रही है मुझे, आई डोंट नो कैसी, मतलब सुस्त है आज ही बहुत, फीवर वीवर कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इसे नहलाया। उसके बाद भी तुम ऐसा कर रहे हो? मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता हूँ तो मैं भाव खा लेता हूँ, मैं टकला हो रहा हूँ यहाँ से।
अच्छा नो सो जा बेबी चल, नहीं खाना आपको, नहीं खानी है, नहीं खानी है उसे, नहीं खानी है उसे, नींद आ रही है और नहाने के बाद तो और तेज नींद आती है, तो गिर जाओगे तुम नीचे आ जाओ, सोना है, छूना आपको ये छोया 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 ये सोया 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 कहाँ चले, इसे नींद आ रही है बस बस मुझे नींद आ रही है आज, सोया चलो कुछ नहीं होता, अच्छा उठ भी जल्दी जाता है वो 5 बजे, 5 बजे उठ जाते हो भैया, गिर सकता है यहाँ से, मैं बस नीचे बैठा देती हूँ क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी नींद का झटका लगा तो सीधा नीचे गिरेगा, तो मैं इसे उठा लेती हूँ। अब देखिए क्या उधम मचा रहा है, एक चेयर से दूसरी सोफ़ा, इन्हें नींद भी आ रही है और इन्हें मस्ती भी छा रही है, मेरे को नींद डाली थी और नींद ने मुझे उठा दिया, जगा दिया मुझे, अब मैं खाना खा लूँ बस, ओ गिर गई, तलोगे तलोगे तुम, तुमने तो बोन गिरा दी, ओके बोजो ने सोफ़ा आपकी पाई किया है, ये मेरा सोफ़ा है, ये मेला छोपा है, कोई मेरे छोपे पे नहीं बैठ सकता, कोई तुम्हारे छोपे पे बैठना चाहे तो नहीं बैठने दोगे, नो मुझे नींद आ रही है यार, और बुन्नू को पता नहीं क्या हुआ है, वो नींद में है पता है बहुत ज़्यादा, बहुत नौटंकी मारते हो तुम, क्या होता है ना ये सुबह 5 बजे जग जाता है, 5 बजे से ये जगा रहता है, उसके बाद ये शाम को सोता है मतलब दोपहर में, और उस बीच में मैंने इसे डिस्टर्ब कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया ना मैंने तुम्हें, मैंने इसे डिस्टर्ब कर दिया है, सो चलिए मैं तैयार होने जा रही हूँ, और इन्हें पता नहीं, मैं वो बोझो को देख लूँ, मेरे को पता नहीं अजीब सा लग रहा है। हाँ सो गाइस मैंने जैसे बोला था कि हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि आज मैंने क्लीनिंग नहीं करी है, तो हम लोग जा रहे हैं बिग बाज़ार, बिग बाज़ार से जो मेरा, आप जा सकते हैं बिग बाज़ार, बिग बाज़ार से जो मेरा करवा चौथ का लहंगा और वो था वो मैंने बिग बाज़ार से ही लिया था, हाँ दुपट्टा मैंने अलग से लिया था उसका, क्योंकि दुपट्टा नहीं था उसमें, और मैच करके लिया था, मतलब अलग अलग उसके ब्लाउजेस थे और अलग अलग लहंगे थे, तो मेरे को लगा बिग बाज़ार में हो सकता है कुछ नया कलेक्शन आया हो, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं बिग बाज़ार, और वहाँ से अगर मिल जाता है कुछ तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो और भी अच्छा है, कहीं और देख लेंगे, हाँ पर वहाँ मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, मुझे वैसे भी हल्के क्लोथ्स चाहिए, मेरे को हैवी नहीं चाहिए कुछ भी इस बार, एक तो संभालने की दिक्कत और त्यौहार है, कपड़े उठा उठा के घूमते रहो, तो चलिए चलते हैं। सो हम लोग पहुँचने वाले हैं बिग बाज़ार, ठीक है ना राजा, ठीक है ना, अकेले अकेले ना, अच्छा सांड थी, सांड आ गया, सांड बुल 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 फुल में, अभी ये छोटा हो गया क्या, अभी अब बिग बाज़ार एक्सप्लोर किया जाएगा, कुछ फेस्टिव कलेक्शन आया है या नहीं उसके अलावा, क्योंकि मैं और देख चुकी हूँ।
का जो मॉडलिंग कर रहे थे उनकी बिग बाज़ार हम लोग गए थे, तो बिग बाज़ार में फेस्टिव कलेक्शन है। अगर आपको लहंगा वगैरह देखना है, जैसे मेरा था वो वाला करवा चौथ वाला, तो आप जाके ज़रूर देख लीजिए, अच्छे पीसेस आए हुए हैं बिग बाज़ार में। और कुर्ते फॉर्म में भी आए हुए हैं, आप कुर्ती फॉर्म में लेना है तो वो भी बहुत अच्छे पीसेस आए हैं वहाँ पे। और हाँ, मुझे नहीं चाहिए था वैसा कुछ, क्योंकि एक लहंगा हो गया था तो लहंगा मुझे दोबारा नहीं पहनना था, और वो कुर्ते मुझे थोड़े कम फेस्टिव लग रहे थे, तो मतलब काफ़ी थोड़े डल कलर थे, तो इसलिए मैंने कुर्ते प्रेफर भी नहीं करे। और फिर फिटिंग कराना और ये सब कराना, तो फिर मैं कहीं और से देखूँगी। बट आप एक बार जाके ज़रूर देख लीजिए, लहंगे वहंगे के पीसेस बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, है ना राजा? वो पीसेस काफ़ी अच्छे हैं। बट मेरे को रिपीटेटिव ड्रेस या सेम चीज़ नहीं लेनी थी, वरना मैं कलर चेंज करती, ब्लाउज का कलर चेंज करती, हो जाता है। सो देखते हैं कि अब मैं क्या पहनती हूँ, नहीं पता चला। ए, तुमने अपना देखा ही नहीं, फ्रेंड बनना अभी। और अब हम देखते हैं, पहले कुछ खा लें उसके बाद। हाँ, मॉडलिंग देखने मिल गई हमें, ऐसा देखा नहीं। हम लोग गए थे चाट चटोरे। अभी हम लोग पता है बहुत ही नए नए रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे। पहले हम लोग अभी दो दिन पहले ना कैफ़े गए थे, वो बहुत अच्छा कैफ़े था, वहाँ पे बहुत टेस्टी टेस्टी सामान था, आई थिंक उसका ब्लॉग भी है। और अभी हम लोग चाट चटोरे गए थे, ओह माय गॉड, उसके बाद गोलगप्पे सबसे गोलगप्पे नहीं खाए हालाँकि हम लोगों ने। आपको दिखेगा आपका किस किस के मुँह में पानी आया, बस ये लिखिए नीचे, सिर्फ ये लिखना है कि ये वाला इमोजी, ये वाला सबको ये वाला इमोजी करना है, जिसके मुंह में पानी आया उसे ये वाला इमोजी, समझ गए होंगे आप कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला इमोजी। चलो चलिए अब देखते हैं आगे क्या करते हैं हम लोग। सो हम गैंग्स ऑफ वासेपुर देख रहे थे, वासेपुर देख रहे थे अभी, यही है ना नाम। हाँ, तो इन्हें मुझे पिक्चर दिखाई जो आ रही थी स्टार गोल्ड सिलेक्ट सिनेप्लेक्स HD पे, देखिए मैं बता रही हूँ जैसे अभी भी आ रही होगी। सो मूवी, ये न्यू ब्रेसलेट ख़रीदा था मैंने सिर्फ बिग बाज़ार से, ब्लैक में ब्लैक। और बिग बाज़ार में जब हम लोग गए थे तो इनका जो इनके लिए जो देखना था हमें, वो हमने देखा ही नहीं। अरे क्यों नहीं देखा यार, मैं अपना देख के आ गई, मुझे पसंद नहीं आया, और हम ये भूल गए मैं अपना देख के आ गई मुझे पसंद नहीं आया, पर हम लोग ये भूल गए कि इनका भी देखना था। अच्छा। पहले सेंटर में चाट इतनी अच्छी लगी कि हमने बहुत सारी चीज़ें खा ली। अगर आपको मैं थोड़ी सी भी मोटी लगती हूँ तो उसके पीछे ये आदमी है, ये मुझे, मैं इतनी चॉकलेट खा ली, इतना मीठा खा लिया है ना, और अभी दिवाली तक यही चलना है, तो हो सकता है मैं बहुत हैवी हो जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है, और मुझे फील भी हो रहा है जैसे मैं हो भी गई। हाँ, पर ज़्यादा नहीं होंगी, हो सकता है, हो भी सकती हूँ, नहीं पता कितनी भी हैवी हो सकती हूँ मैं। सो ये मुझे नहीं पता कि मैं कितनी हैवी हो सकती हूँ खा खा के इतना बाहर खा रही हूँ मैं। और पता है मेरे को जो खाना है ना वही चीज़ें मिल रही है। मैं कब से सोच रही थी यार कोई ऐसा सेंटर खुल जाए जहाँ पर डोसा भी हो, छोले कुलचे भी हो, सब कुछ हो, तो वहाँ पर सब कुछ खुल गया है। इवन यहाँ, अरे तुम रेट्रो नाइट में जाओगे 7 बजे?
14th को, हम लोग 14th को शायद, मुझे नहीं, तुम पक्का जा रहे हो? चल हलकट तुम्हें डेडिकेट कर रही हूँ, लिरिक्स मेरे को याद नहीं है, पर ये गाने के सलमान खान का हीरो पिक्चर का टाइटल सॉन्ग। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था ना ना ना। यार कैसे मेरा गाना बिगाड़ दिया, अब नहीं गा रही मैं, चलो हटाई, वैसे भी कॉपीराइट की मैं एक चैनल सोच रही हूँ खोलूँ जिसमें कॉपीराइट लगते भी रहे तो लगते रहे फिर गाने का, और गाना, हाँ कि मैं उसमें अपने गाने की वो गाती रहो, बस गाती रहूँ, बस गाती रहूँ, मेरा गला बैठ गया है, मेरा गला बैठ गया है। सो गाइस, हाँ तो कल हम लोग पक्का शॉपिंग पे जा रहे हैं, और सुबह पता आपको मैंने रसोई साफ़ कर ली है, जो कबर्ड वगैरह थी वो कंप्लीट हो गई है, पर अंदर की नहीं हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ शूट करूँगी। यार मैंने बहुत सारी सफाई करी जिसे मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मेरी किचन दिखाने लायक नहीं थी आज, मतलब बहुत ही गंदी उसमें थी, क्योंकि राजा ने फैलाई थी वो किचन। आपको पता है कुछ भी लेके आते हैं, ये दूध वूध सारी पैकेट पन्नियाँ। हाय आ रहे हैं, आ रहे हैं, रुक जाओ, चौकीदार आया, सीटी मार रहा है। सो फाइनली इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, और मैंने कुछ भी नहीं किया है, मतलब हम लोग गए ज़रूर थे पर पर्पज़ सॉल्व नहीं हुआ। बट प्लीज़ जाके आप, मैं कोई बिग बाज़ार का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे भी आप में से एक ने व्हाट्सएप मैसेज किया, कृतिका, कृतिका नाम मेरे को, कृतिका आई थिंक, कृतिका, उन्हीं के कारण मैं वहाँ से करवा चौथ का लहंगा लेके आई थी। सो आप लोग भी, हो सकता है आप लोगों को पसंद आ जाए कुछ आप लोगों के लायक, तो जाके देख लीजिएगा, अगर आप मेरी तरफ भटक रहे हैं तो। मेरे को नहीं चाहिए था, ऐसे नहीं हो पाया। सो फाइनली मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, और मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू व्लॉग एंड अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय गुड नाइट। मेरा गाना नहीं ख़त्म करने दिया ना।